ट्राई एंड रजिस्ट विद सोनम में शत प्रतिशत चाची परखी रेसिपीज आपका इंतज़ार कर रही हैं, जिन्हें आप बहुत ही आसानी से अपने किचन में बना सकते हैं। तो आज मेरे किचन में आपके लिए है उत्तर पूर्वी भारत का एक स्नैक्स, जिसमें बिल्कुल भी घी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बफौड़ी। सबसे पहले 2 कप चने की दाल को अच्छे से धो के 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के रख देंगे। ये देखिए 4 से 5 घंटे के बाद मैंने इसको छान लिया अच्छे से। अब इसको फूड प्रोसेसर में निकाल लूँगी मैं। इसके साथ इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जैसे 8 से 10 हरी मिर्चियाँ, 1 इंच के करीब अदरक और 12 से 15 कलियाँ लहसुन की। इसके साथ ही ढेर सारा जीरा, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब इसको बिना पानी के ही पीस लेंगे। बीच में एक बार चला के 2 चुटकी हींग भी डालेंगे, इसमें पहले डालना भूल गई थी, और फिर से इसको बढ़िया सा पीस लेंगे। ये देखिए दाल पिस गई है, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, हल्का सा बारीक होने तक ही पीसा है। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखने वाली है कि पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, जिसकी वजह से इसको फूड प्रोसेसर में पीसा है। इसको मैं फूड प्रोसेसर के जार से एक बोल में खाली कर लूँगी और इसके आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है, और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.25 छोटा चम्मच नमक डाला है। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई करीब 3 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों को पिसे हुए दाल के मिश्रण में अच्छे से एक बराबर सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से मिक्स हो गई दाल हमारी। ट्रेडिशनली पफौड़ियाँ जो हैं हाथ से बनाई जाती हैं, पर उसको एक बराबर एक साइज़ का बनाने के लिए मेरे पास ये एक पाइपिंग बैग है, जिसका मैं यूज़ करूँगी। अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग नहीं है, तो आप किसी भी नमक का पैकेट, दूध का पैकेट, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं अपनी पाइपिंग बैग मैंने जो दाल का मिक्सचर है उसको इस तरह से फिल किया। अब जिस भी बैग का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भरने के बाद उसके एक किनारे को इस तरह से मोटा सा काट लेंगे। और ये देखिए हमारा बैग तैयार हो गया बफौड़ियाँ बनाने के लिए। बफौड़ियाँ बनाने के लिए ये मैं एक स्टीमर पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको सबसे पहले ज़रा से तेल की से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि बफौड़ियाँ इसमें चिपके ना। अगर आपके पास ये पैन नहीं है तो आप कोई भी जाली जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखिए जो मैंने कोन बना के रखा था उससे इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स को स्टीमर पैन में बनाते जाएंगे। ये देखिए इसकी मदद से बनाने से सारी एक ही शेप की और एक ही साइज़ की बफौड़ियाँ बन रही हैं, और बहुत फास्ट भी बन रही हैं, हाथ भी नहीं गंदा हो रहा है। इस तरह से एक पैन में मैंने बफौड़ियाँ बना ली हैं। अब मेरे पास एक दूसरा पैन भी है, जिसमें मैं आपको हाथ से बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हाथ से भी ऐसी छोटी छोटी बड़ियाँ जैसे तोड़ते हैं वैसे ही बना लेते हैं। स्टीम करने के लिए एक पैन में पानी उबाल के बड़ियों वाले पैन को उस उबलते पानी के ऊपर रख दिया है मैंने, और ढक्कन लगाया। आप किसी जाली या छन्नी का भी बिल्कुल इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 8 से 10 मिनट तक स्टीम करेंगे, और उसके बाद एक चाकू की मदद से चेक करेंगे कि यह पक गई है कि नहीं। अगर चाकू बिल्कुल क्लीन बाहर आ जाए इसका मतलब आपकी पफौड़ी पक गई है। इनको 1 मिनट ठंडा करने के बाद हम स्टीमर पैन से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गई। तो आपने देखा इस डिश को बनाने में बिल्कुल भी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्टार्टर तैयार हो गया है। इसे बस आप हरी चटनी के साथ सर्व करिए और सबका दिल जीत लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंजॉय।